अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। इसी के साथ ये भी उम्मीद है कि आप अपना काम भी बखूबी सरंजाम दे रहे होंगे। इसी के साथ हम अपना तदरीसी सिलसिला आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपनी डायरी की तरफ। जी तो जमात शीशम, यह है आपकी डायरी। दिन है आज, बहुत तारीख है आज 29 जुलाई 2020। तदरीसी सिलसिला नंबर 11, जमात शीशम। मजमून है आपका जोग्राफिया। डायरी आज आपकी जाएगी बाब नंबर 2, किताब सफ़ा नंबर 31, मशक सवाल नंबर 2। अहम नुकात क्या हैं आपके आज के, इसमें आज हम पढ़ेंगे मुख्तसर जवाबात दें, यानी मुख्तसर सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। आज हम वो 1 से 5 सवाल जो हैं वो हल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हैं आपके मुख्तसर जवाबात दें मशक सवाल नंबर 2, जिसमें हमारी जुज़ नंबर 1 है, नक्शे और ग्लोब में क्या फ़र्क है। जुज़ नंबर 2 है, दिए गए मॉडल का मुशाहदा करें और बताएं। मॉडल आपके सामने उन्होंने दिया हुआ है, बताना हमने इन 3 सवालों के जवाब हैं। उसके बाद तीसरा सवाल है हमारे पास, अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों तो मंदरजा ज़ैल शहरों का वक्त मालूम करें। इसका फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, बिल्कुल उसी फार्मूले से हम इन सवालात को जो है हल करेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 4 है आपका, रिवाजी अलामात से क्या मुराद है। सवाल नंबर 5 है, नक्शे पर ज़मीनी नकूश दिखाने के तरीके कौन से हैं। इन तमाम सवालों का हल यानी जवाबी कापी इनकी आपको मुहैया कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद हमने ये सवाल अपने रजिस्टर पर ज़रूर नोट करने हैं। बिल्कुल ऐसी जवाबी कापी आपको स्कूल से मुहैया कर दी गई है। अगर किसी ने अभी तक नहीं ली तो वो बराए मेहरबानी स्कूल आकर ये कापी हासिल करें। इस जवाबी कापी में सफ़ा नंबर है आपका 44, जहाँ पे आपको जुग्राफिया के मुख्तसर सवालात के जवाबात मिलेंगे। बाब दोम, ग्लोब, नक्शे और इनका इस्तेमाल। उन्वान है आपका सवालात जवाबात मश्क सवाल नंबर 2। पहली जुज़ है हमारी, नक्शे और ग्लोब में क्या फ़र्क है। जवाब हम इसका क्या देंगे, नक्शा हमवार होता है जबकि ग्लोब गोल होता है। फ़र्क, जब भी हमने किसी सवाल में आपसे पूछा जाए किसी चीज़ का फ़र्क, तो वो हमने इस तरह से एक सेंटर में लाइन और फिर दोनों साइड पे वो जिन दो चीज़ों पे हमने फ़र्क करना है वो दोनों अलहदा अलहदा इन खानों में लिख देंगे। नक्शा हमवार होता है जबकि गोल ग्लोब होता है। नक्शा ज़मीन के एक छोटे हिस्से का होता है जबकि ग्लोब पर हर तरह की तफसील दिखाई जाती है। नक्शे पर मुकर्रा हिस्से की तफसील दिखाई जाती है। ग्लोब पूरी दुनिया के लिए होता है। जूज नंबर 2 है आपकी, दिए गए मॉडल का मुशाहदा करें और बताएं। जवाबी कापी सफ़ा नंबर 43, इस पे ये मॉडल जो है वो आपको आपकी किताब में ही दिया गया है। इस मॉडल में वो हमें क्या बता रहे हैं, ऊपर की जानिब कौन सी सिमत है, शुमाल। जैसा कि हमने पीछे सिमतें पढ़ी थी उनमें हमने क्या पढ़ा था कि ऊपर की जानिब अगर शुमाल हो तो उसके दाएं जानिब क्या आएगा, मशरिक, बाएं जानिब क्या आएगा, मगरिब, और पीछे की जानिब जुनूब। बिल्कुल यही फार्मूला हमने यहाँ पे भी अप्लाई करना है कि हमारे पास अगर ऊपर सामने शुमाल है तो हमारे दाएं जानिब क्या होगा, मशरिक, बाएं जानिब क्या आएगा, मगरिब, और नीचे की तरफ जुनूब। इन पॉइंट्स को आपने अपने जहन में बिठा लेना है। उसके बाद हमारा सबसे पहला सवाल क्या है, ई मकाम सी से किस सिमत में वाकिया है। इस सवाल को देखिए ज़रा, ई मकाम सी से किस सिमत में वाकिया है। ई मकाम यहाँ पे है, ई मकाम सी से किस सिमत में वाकिया है। हमने देखना है कि ई सी से किस सिमत में है, यानी अगर सी यहाँ पे है तो ई किस सिमत में आएगा। उसके लिए पहले हमने देखना है कि सी की जो है डायरेक्शन वो क्या आ जाएगी। इस तरफ शुमाल आ रहा है तो इसके इस तरफ क्या आएगा, मगरिब, और इस तरफ मशरिक। इस लिहाज से हमारा जवाब क्या बनता है, ई मकाम सी से मशरिक की सिमत में
वाकया है। दूसरा है हमारे पास ए के जनूब में कौन सा मकाम वाकया है। फिर से मॉडल का मुशाहिदा करेंगे, ए के जनूब में कौन सा मकाम वाकया है। ए का जनूब किस तरफ आएगा, बिल्कुल नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ ये एरो हमें क्या शो करवा रहा है कि ऊपर की तरफ शुमाल है, इसलिए नीचे की तरफ क्या आएगा, जनूब। तो ए के जनूब में कौन सा मकाम वाकया हुआ, बी, मकाम बी। इस लिहाज से इसका जवाब क्या आएगा, ए के जनूब में बी मकाम वाकया है। तीसरा सवाल है हमारे पास, डी के शुमाल में कौन सा मकाम वाकया है। ये हमारे पास मकाम डी है और इसका शुमाल किस तरफ बन रहा है, ऊपर की तरफ, ये एरो शो करवा रहा है ना। तो डी के शुमाल में कौन सा मकाम है, सी, मकाम सी। तो इसका जवाब क्या आएगा, डी के शुमाल में सी मकाम वाकया है। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 3 है, अगर ग्रीनच में दोपहर के 12 बजे हों तो मंदरजा ज़ैल शहरों का वक्त मालूम करें। सबसे पहला है हमारे पास काहिरा 30 दर्जे तूल बल्द मशरिक। इसे मालूम करने का तरीका क्या है, हमने जैसा कि पीछे पढ़ा था फार्मूला हमने जो पढ़ा था वो था कि किसी भी शहर के वक्त का फ़र्क ग्रीनच के शहर के वक्त से मालूम करने के लिए हम उसका तूल बल्द 15 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 15 कहाँ से आया था, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि फ़ी घंटा 15 दर्जे तूल बल्द सूरज के सामने से गुज़रते हैं, इसलिए वक्त के फ़र्क में 15 दर्जे तूल बल्द फ़ी घंटा फ़र्क आता है। ऐसा ही हमने पीछे पढ़ा था, ये वही 15 दर्जे तूल बल्द है जिसे हमने किसी भी शहर के वक्त का फ़र्क मालूम करने के लिए इस पे डिवाइड करेंगे हम उसे, तो हमारे पास हमारा आंसर निकल आएगा। अभी सबसे पहले हमारे पास काहिरा 30 दर्जे तूल बल्द मशरिक, काहिरा के वक्त का ग्रीनच से फ़र्क, काहिरा के वक्त का ग्रीन से हमने फ़र्क मालूम करना है, ये अभी हमें पता नहीं है, उसका हमने आगे फार्मूला लगाया है, काहिरा का तूल बल्द तकसीम 15, तकसीम काहिरा का तूल बल्द कितना था हमारे पास, 30 दर्जे, इस 30 को अब हम 15 पे जब तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2। लिहाजा 12 बजे प्लस 2 बजे बराबर है 14। 12 ये कौन से थे, ग्रीनच के 12, ग्रीनच में जो 12 थे ये वो वाले 12 हैं, इसमें अब हमने ये जो 2 हमारे पास आंसर आया है इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास 14 यानी शाम के 2 बजे जो है वो आंसर आ जाएगा। अब ये 2 बजे शाम के हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें ऐसे पता चल रहा है क्योंकि दोपहर के 12 बजे हैं, ये दोपहर के 12 ना, तो दोपहर के 12 में 2 जब हम प्लस कर रहे हैं तो वो शाम के 2 हो जाएंगे। दोपहर के 12 बजे के बाद पीएम स्टार्ट हो जाता है, सुबह के रात के 12 बजे के बाद जो है वो एएम स्टार्ट हो जाता है। पीएम किसको शो करता है, शाम को, तो 12 बजे के बाद जब 2 बज रहे हैं तो वो कौन से होंगे, शाम के 2 बजे। अब ये कैसे पता चला कि हमने इसमें प्लस ही करना है, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब भी हम किसी भी इलाके का तूल बल्द मशरिक से लेते हैं, किसी भी इलाके का तूल बल्द जब मशरिक में आता है तो उसको हमने ग्रीनच के वक्त में जमा करना है। अगर ये तूल बल्द मगरिब में होता तो फिर हमने क्या करना था, माइनस यानी मिन्हा कर देना। अच्छा जी, अब ये हमारे पास सवाल नंबर 3 की जूज नंबर 2, न्यूयॉर्क 75 दर्जे तूल बल्द मगरिब। उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, न्यूयॉर्क के वक्त का ग्रीनच से फ़र्क, फार्मूला हमारे पास सेम वही आ जाएगा, न्यूयॉर्क का तूल बल्द तकसीम हम उसे करेंगे 15 पे, तकसीम कैसे करेंगे, 15 ones are 15, 15 fives are 75, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, अब ये 5 जो है वो हमने
12 बजे जो हमारे पास ग्रीन्ज का वक्त था उसमें माइनस यानी मिन्हा कर देने हैं। मिन्हा क्यों कर देने हैं? क्योंकि इसमें हमने मगरिब का तोल बल्द मालूम करना है। हमारे पास मगरिब का तोल बल्द है जिससे हमने वक्त मालूम करना है। तो जब मगरिब का हमारे पास तोल बल्द होगा तो हमने माइनस कर देना है। फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 7 बजे। 7 बजे सुबह। 7 बजे सुबह। ये सुबह कैसे आई? 12 बजे, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो उससे पहले का टाइम जो होता है वो एएम होता है। एएम किसे शो करता है? सुबह को। उसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 4, रिवाजी अलामात से क्या मुराद है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रिवाजी अलामात हम किसी भी ज़मीन की सतह पर मौजूद कोई भी कुदरती नक्श या कोई भी सकाफती निशान जो होता है उसे जाहिर करने के लिए रिवाजी अलामात के इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे? ज़मीन की सतह पर मौजूद कुदरती और सकाफती नकोश को नक्शे पर अलामात की मदद से वाजे किया जाता है, इनको रिवाजी अलामात कहते हैं। सवाल नंबर 5 है हमारा, नक्शे पर ज़मीनी नकोश दिखाने के तरीके कौन से हैं। वैसे ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से तरीके हैं जो हमने पढ़े हैं। सादा से 3 तरीके हैं जो हमने पढ़े हैं, कंटोर्स रंगों की तरह और रिवाजी अलामात। सफ़ा नंबर 41 पे आपको इसका जवाब मिलेगा। नक्शे पर ज़मीनी नकूश दिखाने के 3 तरीके हैं, कंटोर्स रंगों की तरह, रिवाजी अलामात। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर की बखूबी समझ आ गई होगी। आपने ये काम बहुत अच्छे तरीके से बहुत नीट हैंड राइटिंग में अपने नीट रजिस्टर्स पर उतार लेना है। इस काम को करवाने का मकसद सिर्फ आपकी याद दहानी नहीं है बल्कि आपके इल्म में इजाफा भी है। बराए मेहरबानी अपने लेक्चर्स बाकायदगी से लें और इन पर अमल भी करें। अपना बहुत ख्याल रखिए, घरों में महफूज रहिए। खुदा हाफिज़।